है बेटा? जी पापा। मैंने भी किशन चंद से ही बीए पास किया था। जी पापा। अब कितना अच्छा होगा मेरे दोनों बच्चे उसी कॉलेज में पढ़े। जी पापा। दोनों साथ में आओगे, साथ में जाओगे, पेट्रोल का खर्चा बचेगा ना भाई। जी पापा। दो साल में गुड्डू की जॉब लग जाएगी तो उसकी किताबें तू यूज कर लेना, वो पैसा भी बचेगा। जी पापा। सोचना चाहिए ना बेटा। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है और हर मिडिल क्लास आदमी के पीछे स्कूटर पे उसका बेटा होता है जिसे वो रोज ऐसी कंजूसी वाली टिप्स देता है। तभी तो हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे लाइफ में कभी कूल नहीं बन पाते। पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह पापा का भी फेवरेट वर्ड है बचाओ। समझ गया ना बेटा तू? जी पापा। फालतू खर्चे अवॉइड करने चाहिए। जी पापा। चल पापा। कितना लकी हूँ मैं। क्यों? गुड्डू भैया की जगह गुड़िया दीदी नहीं हुई, वरना आप तो फ्रॉक पहना के लिए आते कॉलेज। नहीं फ्रॉक नहीं, तुझे मैं चट्टी पहना के लिए आते। चल लिस्ट में नाम देख, आ जा। अच्छा पापा आप देखो मैं सुसु करके आता हूँ। सही किसी काम का नहीं है। युधिष्ठिर शर्मा एडमिशन मिल गया। चल तू एडमिन ऑफिस जा और पता कर फीस कब जमा करा। अब भी आ रहा बाबा। किशन चंद जैसा नाम वैसा क्राउड, बोरिंग डाउन मार्केट, किशन चंद खच्चर बुलाते हैं। मिडिल क्लास माँ बाप की उम्मीदों का बोझा उठाने वाले खच्चर, जिन्हें विरासत में मिली है एक खतरनाक बीमारी मिडिल क्लासियोसिस। और भाई इसके सिम्टम्स ना हम सबने देखे हैं। पहले आए पहले मम्मी, पहले आए पहले पाए, अभी का नियम है। कॉलेज है, लेट करो, चल। हाँ तो मेरा भी लेट हो रहा है, मेरे भी सौ काम है। मम्मी अरे हम के स्कूल में है क्या? मम्मी मम्मी कर रहे हो। मम्मी टूट पे लग चुका है यार। बेटा मान ये कोई तरीका नहीं होता यार। मम्मी पहला तो क्या पॉटी भी पहले करेगा। अरे भाभी जी तो 100 रुपए ही है, 12 रुपए और। अरे बनते तो 90 थे तभी मैंने तेरे को 100 रुपए दे दिए। अच्छा 10 रुपए दे दो, 10 रुपए है ही नहीं मेरे पास। अच्छा 5 रुपए चल लास्ट, जल्दी जल्दी पा। ना भाई भाभी जी क्या धनिया मिर्ची लेना। रुक रुक 40। क्या 40 बाबा? 40 कुछ क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, ये ले बेटा 40। बाबा घर अभी दो गली आगे। बेटा पैर में थोड़ा क्रैम्प आ गया, आजा चल। तो मैं सामान लेके चला जाऊं? पागल है क्या? थोड़ा पैदल चल लेगा, थोड़ी बॉडी बन जाएगी और क्या एक्सरसाइज हो जाएगी। साला ढाबे के 20 रुपए के आलू के पकौड़े 5 स्टार पहुंचते ही ₹369 के पोटैटो क्रॉकेट्स बन जाते हैं। कूल बनने के लिए ना अपनी दुनिया बदलनी पड़ती है। तू खच्चर नहीं बन सकता यूडी, तू घोड़ा है, रेस का महंगा घोड़ा। वह गधा है तू। मैं गधे का दोस्त याती चू। ऑल्सो FYI ऊपर में गधों को एडमिशन नहीं मिलता। शिट नहीं हुआ? हुआ ना मेरे भाई, वेटिंग लिस्ट में। मैं 6th और तू 7th। ये कूल बनने की चूल छोड़, चुपचाप चल किशन चंद, ना वो भी जाएगा हाथ से। अबे यार मेरा कूल बनने का और तेरा रैपर बनने का जो ड्रीम है ना उसका दी एंड हो जाना किशन चंद में। कूल बनने के लिए ना अपनी दुनिया बदलनी पड़ती है। भाई तुझे जो सही लगे तू कर ले, मैं तो अपनी लाइफ कहीं भी सेट कर सकता हूँ। समझता नहीं है यार। नमस्ते अंकल। अभी नमस्ते। कितनी बार का है धंधे के टाइम पे एक कौवे का घोंसला ढक के रखा कर। सॉरी पापा। हाँ कितनी बार कहा अंकल ने कि चोटी लेके मत घुमा कर, अंकल सुनता ही नहीं है। तू ना अंकल जैसा हेयर कट करा ले। तू अपने काम से काम रख। ओके अंकल। तू 5 नंबर के टेबल पे पानी की बॉटल रख। अपनी मर्जी से तू बाल सेट नहीं कर सकता, लाइफ क्या घंटा सेट करेगा? और तू कॉन्फिडेंट है क्योंकि तेरे पास बैकअप है। रैपर नहीं बनेगा तो हलवाई बन जाएगा। अबे मेरी नहीं, मेरे पापा की दुकान है। हाँ तो कितना ही दी लेंगे अंकल? अबे कुछ भी बोलता है। अच्छा एक बात बता, सचिन तेंदुलकर के पापा क्या करते थे पता है? पॉइंट क्या? पॉइंट ये है कि मुझे भी नहीं पता, पर अगर सचिन ने वही किया होता जो उसके पापा ने किया तो क्या हमें गॉड ऑफ क्रिकेट मिलता? मुझे अपना कुछ करना है। पॉइंट टेकन। माय टर्न। ओके। सचिन सचिन तब बना जब उसने लॉर्ड्स में छक्के लगाए। अगर वो गली में क्रिकेट खेलता रहता तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बनता? ओकुड अपना लॉर्ड्स है, तू अपना कर, पर वहां कर जहां उसकी वैल्यू होगी। पॉइंट तो ये भी है कि आज तक ओकुड में कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। डोंट वरी, इस साल ओकुड में हम तीनों होंगे। तीनों? तू, मैं और कैंसिलेशन। हाय मिस्टर आवास पंचल,
Yeah, this is an information about your fees. Is this Hemal Khanna? Shlok Sena? Hamari fees bhanne ki date postpone ho gayi hai. Shaina Nilkin? Wo hamara server down tha, isliye website par update nahi hua. Purwa Chandi. Monday ki jagah aapko Thursday aana hai. All right. I'll see you no good high. Maybe not. Bhai, itni aasani se bevkoof bana diya. Hum kaun hote banane wale? Banane wala to wo hai. पापा इतनी बड़ी बात नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात है? मैं दो घंटे से एडमिन ऑफिस के बाहर बैठा हूँ और ये भाई साहब जरा धीरे पुरिये बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे वो बच्चे तो पढ़ लेंगे अपने बच्चे की सोच। बुढ़ापे में रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चला जाएगा सुबह के 4 बजे। 4 बजे कौन उठेगा? क्या बोला? 4 बजे तेरा बाप भी उठेगा बेटा। एक बात बता, ये ऑकवर्ड का फॉर्म भरने के लिए तेरे पे पैसे कहाँ से आए? माता श्री प्रणाम। मैं 200 रुपए बचाने के लिए 6 महीने से ये टूटा मेरा चश्मा कहाँ? हाँ, टूटा हुआ चश्मा पहने घूम रहा हूँ और तूने इसे 2000 रुपए दे दिए। कितनी बार बोलूंगा कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। यार पापा मैंने भी तो कितनी बार कहा एक साइज चादर बड़ी ले लो ना। बात तो भैया सही है। बड़ी चप्पल लेता हूँ ना तेरे लिए। मैं पैसे दे दूंगा। ये मुझे पैसे देगा मैं दे दूंगा तेरे। नहीं मेरे को ठीक ठीक लगाओगे तो शायद वापस कर दूंगा। मैं सामने से ठीक ठीक लगाओगे। नाइस यार। थैंक यू। अरे चप्पल से डर नहीं लगता शर्मा जी, आपकी थिंकिंग से लगता है। रेलवे स्टेशन कम से कम एयरपोर्ट तो सोच लेते। देखो गणेश जी, अगर इस बीमारी से मुझे कोई बचा सकता है तो वो है यूडी शर्मा खुद, लेकिन ऑफ कोर्स आपके आशीर्वाद से। तो तेरे को टोटल फ्रूट वेट निकालना है ना? यू डोंट। ये सब करता रहा ना तो किशनगंज में एडमिशन तो भूल जा। एक मिनट, किशनगंज में अगर एडमिशन हो भी जाएगा तो खच्चरी तो बनेगा बाकियों के जैसा। रेडियो तो कम कर दे। अरे आप कर लो यार। हाँ हाँ, तेरी तो वीआईपी एंट्री हो रही है ना। ढोल मंगवा लो तेरे लिए, ओकुप में एंट्री होने वाली है। हेलो। अच्छा अगर हो गई तो तेरा एडमिशन हो जाता ना तो इस टेबल पे यहाँ पे इन सब के बीच में मुर्गा बनूंगा। और तू मेरा फोटो निकालियो और पिक्स्टाग्राम पे डाल दियो। अरे गुड्डू गुड्डू, यूटी का एडमिशन हो गया हॉकबोर्ड में। हैशटैग खच्चर बना मुर्गा। सुभद्रा यूटी का एडमिशन हो गया हॉकबोर्ड में। क्या हो गया भाई, कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे यूडी का एडमिशन हो गया ना ऑकवुड में। हाँ? अभी फोन आया था। क्या बात है? अरे बेटा किसका है? मंडे को फीस भरनी है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? पापा मसूरी का नहीं, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है ये। टाटे बिरले के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं ना। हाँ। और पता है यहाँ से निकल के ना अचीवर्स बनते लोग। ठीक है, शाम को बात करते हैं। सर डीपी बदलोगे तो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, पढ़ ले। बजट से थोड़ा सा बाहर है लेकिन हो जाएगा, मैं और तुम मिलके कर लेंगे, क्या बोलती हो? मेरे टिफिन के पैसे तो आपने आज तक छुए नहीं है ना? ज्यों के त्यों पढ़े हैं बैंक में तो उसकी पढ़ाई में काम आएंगे ना। पापा बहुत जोर से पॉटी आई है, मैं 10 मिनट में आके पैर दबा दूंगा। ऑकवर्ड में जाना है तो पॉटी रोक ले। रुक गई पापा। देखा रुक गई थी पॉटी, मतलब कंट्रोल हो जाएगी, मैनेज हो जाएगा ऐसा कुछ। हां बेटा। हां क्या कह रहे थे ऑकवर्ड के बारे में? बेटा देख, हमने तो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के अपना बीए पास कर लिया, लेकिन तुम लोगों को हक है हमसे बड़ा और बेहतर सोचने का, है ना? तो मैं और तेरी मम्मी मिलके कर लेंगे, बल्कि हम सब मिलके उन टाटे बिरलों की छुट्टी कर देंगे। ऐसे पापा वो ऑकवर्ड नहीं ओकवर्ड होता है। कुत्ते एक बार का ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ना बेटा। पापा बहुत मन लगा के पढ़ूंगा, अब देखो। ओ कूड़ का राजा। ओ कूड़ हाय वाइब्स ब्रो। व्हाट ड्यूड, जैसा नाम वैसा क्राउड वैसा माहौल। यार मेरा बस चले तो इसका नाम रख लूं ओ कूड़ आय हाय। यहाँ की हर ईंट से लेके हवा की हर छींट तक सब पे लिखा है कूल। आखिर सचिन लॉर्ड्स पहुंच गया। डोंट वरी पापा, मैं सिर्फ मन लगा के नहीं, तन मन धन
सब लगा के पढ़ूंगा और फुल मार्क्स लेके आऊंगा पापा अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। साइशा ओबेरॉय, मसूरी की सबसे पॉपुलर लड़की, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे स्टाइलिश, जिसके आते ही सारे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, कूलनेस की ब्रांड एम्बेसडर, बेसिकली जो लाइफ मुझे चाहिए उसका वीआईपी टिकट है ये बॉस। Hey guys, good morning. We're at the Fusion Salon today and we're all getting new hair rules. Let's take a vote. What shall I do? Straight or curly? Okay. Hey, watch it, bro. Are you freaking blind? Unfortunately, I am. Oh my God, sorry. So sorry. It's okay. I'm sorry. नहीं, तुम क्यों sorry बोल रहे हो? मुझे देखना चाहिए था। आदत सी हो गई है। आजकल तो कहीं भी जाता हूँ अपना इंट्रो भी ऐसे ही देता हूँ। Hi, I'm sorry. Nice to meet you. अरे वाह यार, तुम तो funny हो यार। क्यों अंधे लोग funny नहीं हो सकते? No. Not that. That's not what he meant. Yeah. I'm just kidding. Oh my God. Please don't mind. My sense of humor is a little dark. Anyway, admin office कहाँ पे? तुम यहाँ से सीधे right जाओ, तुम्हें आगे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? No. Sorry यार, I'm genuinely sorry. Not again. I'm kidding. Oh my God. I see. I don't. Wow. तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। Hey, wait. ये तुम्हें कैसे पता? सेम क्लास में होने वाले हैं तो वाइब आ जाती है। सिक्स सेंस। तुम याती चो? No, I'm Alex. Oh, hi, I'm Yudi. और तुम? I'm Saisha. Just a second. Hi, Saisha. Wow. तुम्हारी ग्रिप तो काफी मजबूत है। और बॉडी भी अच्छी बनाई है तुमने। Yudi. हाँ। स्कूटर से चाबी कौन तेरा बाप निकालेगा? Sixth sense? Are you freaking kidding me? कब से तो बोल रहा हूँ I'm kidding. In fact, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना आजकल यही बोलता हूँ. Hi, I'm kidding. Shut up. You really thought this is gonna work on Sai Shop, bro? So cheap and cheesy, dude. कहाँ जा रहे हैं? पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हैं? तू अंधा है? क्यों? तो तुझे दिखा नहीं कि मैं अंधा हूँ गधे? अबे उड़ी इसके टक्कर कम दगड़ी मुझे. जाती चुप. ये साइशा ओबेरॉय से चेप होके तू कूल बन जाएगा। मेरे भाई तू समझ नहीं रहे, इस खतरनाक बीमारी से हम गुजर रहे ना। हाँ, मिडिल क्लासियोसिस। करेक्ट। वो लड़की उसका चलता फिरता वैक्सीनेशन है। डोंट वरी ब्रो। एक बार में साइशा ओबेरॉय का बॉयफ्रेंड बन गया ना, उसके पिक्स्टाग्राम पे आ गया, उसके सर्कल में घुस गया ना, उसके बाद बेटा तेरा भाई जो है वो मसूरी का सबसे कूल लौंडा। लाइफ यहाँ से यहाँ। वो सब बड़ा सोच, ड्रीम्स। लॉर्ड्स में क्रिकेट नहीं खेलना आपके लिए? हमारा तो गेम ही अलग है। दिल्ली गया दिन, साईशु को गई शाम, साईशु जाने दो, मुझे बाथरूम जाना है। जाना।